गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू क्लास 8। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथमेटिक्स। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें फैक्टर के लिए प्यार नहीं। देखिए फैक्टर चैप्टर अब इंटरेस्टिंग टॉपिक आया आपका, इंटरेस्ट अब जगेगा आपका। देखिए फैक्टर यानी फैक्टराइजेशन, देखिए गुणनखंड होता है और इसे सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके एग्जाम में तो आएगा, कंपटीशन लेवल में आएगा। कोई आपसे बात करेगा, आपसे पूछेगा आपकी क्लास 8 की मैथ में फैक्टर पढ़ाया गया, तो तुरंत आपसे क्वेश्चन जरूर करेगा। और फैक्टर से करना बहुत ही, इसमें को रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। बस मैं आपको सबसे पहले अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट के बारे में बताता हूँ। उसमें दो पॉइंट नहीं है लेकिन आपके नेक्स्ट वीडियो में वो भी पॉइंट आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ ए पॉलीनोमियल की। देखिए हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है जिससे हमें कोई प्रॉब्लम सीखने में ना हो। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए पॉलीनोमियल, फिर फैक्टराइजिंग पॉलीपी जो लिखा है पॉलीनोमियल है, बाय फाइंडिंग देयर एलसीएम, फैक्टराइजिंग बाय यूजिंग डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, फैक्टराइजिंग ए पॉलीनोमियल बाय ग्रुपिंग, फैक्टराइजिंग परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स इन फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके ट्राइनोमियल हो गए। दो पॉइंट और हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम लोग कुछ तीन पॉइंटों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल क्या होता है स्टूडेंट? पॉली मीन्स होता है मैनी। पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी, एक एक वर्ड को जाने जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्वेश्चन वर्डों से बनते हैं ना कि एक्सरसाइजों से। इसलिए टॉपिक को क्लियर करना हम लोग को बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल एक्सरसाइजों के जमाने चले गए। एक्सरसाइज से सिर्फ प्रैक्टिस होती है लेकिन टॉपिक क्लियर करने से एग्जाम क्लियर होता है। तो देखिए पॉली का मींस क्या है, ठीक है? पॉली का मींस क्या है? पॉली का मींस है मैनी। पॉली का मींस क्या है? मैनी। और नोमियल का मींस क्या है? नोमियल का मींस है टर्म्स। क्या है? टर्म्स यानी बहुत सारे टर्म जब मिल जाते हैं, बहुत सारे टर्मों का जब मिलन हो जाता है, जैसे इलाहाबाद में क्या होता है, तीन नदियां मिलती संगम हो जाता, वैसे जब बहुत सारे टर्मों का संगम हो जाता है तो हमारा क्या बन जाता है सन? पॉलीनोमियल बन जाता है। अब हम इसलिए बात करते हैं पॉलीनोमियल तो क्या, लेकिन फैक्टराइजिंग की डिफिनेशन है, डिफिनेशन पूछी नहीं जाती, लेकिन आगे क्या पूछ दिया जाए ये ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं ना हमारी बुक जानती है। तो देखिए डिफाइन का फैक्टराइजिंग क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, आप वीडियो बने रहे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग एनी गिवन पॉलीनोमियल इनटू पॉसिबल फैक्टर्स। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग एनी गिवन पॉलीनोमियल इनटू पॉसिबल फैक्टर्स। ऐसा प्रोसेस जिससे फैक्टर्स पॉसिबल हो जाए, किसी पॉलीनोमियल के कई सारे फैक्टर्स निकल आए, दैट इज फैक्टराइजेशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, दिमाग से आपको कितनी बार रखनी, ऐसा पॉलीनोमियल जिसके फैक्टर जो कई गुणनखंडों में टूट जाए, डिवाइड हो जाए, वो हमारा फैक्टराइजेशन गुणनखंड कहलाता है। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल वन में हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को आप करें। अब देखिए हम इसे करते हैं कैसे, हमें यहाँ पर कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस मल्टीप्लाई जानना। मल्टीप्लाई तो हमने सीखा ना बचपन से, बस वही मल्टीप्लाई का व्यूज आ गया है तो उसे करते हैं। तो देखिए x का x से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल वेरिएबल का जब आपस से मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर ऐड होती है। जब मैंने आपको एक्सपोनेंट पावर में पढ़ाया, उससे भी चैप्टर पढ़ाया, जब एक्सप्रेशन पढ़ाया उसमें भी बताया, जब एक्सपोनेंट तो पूरा क्लियर बताया कि वेरिएबल वेरिएबल का जब आपस से मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर ऐड होती है। तो देखिए एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा। जब किसी वेरिएबल की पावर कुछ नहीं होती, वन होती, वैसे जैसे किसी का कोई नहीं होता तो ऊपर वाला होता, ये लोग कहते हैं ना, ऐसे मैथ में मैथमेटिशियन क्या कहते हैं, जब कोई नहीं नंबर होता तो क्या होता है, वन होता है। ओके, हमने जब x का x से मल्टीप्लाईशन किया तो x स्क्वायर आया, x का प्लस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3x हुआ। जब दो ब्रैकेट ओपन होते हैं तो प्लस साइन लगता है, लेकिन प्लस लगाने की हमको यहाँ जरूरत नहीं है, हमें तो x के बाद वाले नंबर पे मतलब रखना है। पता चला उसका माइनस साइन हुआ तब आप मल्टीप्लाई साइन करना भूल गए तो आपकी इक्वेशन तो गलत हो जाएगी ना। तो प्लस वन का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स आया, प्लस वन का प्लस थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे थ्री वन जा थ्री हो गया। मेरी वॉल्यूम क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। अब एक्स स्क्वायर आया आपका। देखिए जो वेरिएबल सेम होते हैं इस टाइम, जो वेरिएबल सेम होते हैं, जो टर्म सेम होते हैं वही एड होते हैं, वही सब्टेक होते हैं,
तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और एक्स ऐड करेंगे तो फोर एक्स आया और प्लस थ्री जो था वो लिख लिया, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन बात करते हैं, उसमें क्या कहा, फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल बाय फाइंडिंग देयर एचसीएम। एचसीएम तो क्लास सिक्स में सीखा था ना, लेकिन अब वो ये एचसीएम में थोड़ा सा डिफरेंस है, काम वही है बस करने का प्रोसेस थोड़ा अलग है। तो देखिए हमें क्या दिया, माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर वाई की पावर थ्री नाइन एक्स वाई, हमें इसे एचसीएम बताना है। दूसरा में ये इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस एट माइनस सेवन फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस एट, इस इक्वेशन में भी हमें एचसीएम बताना है। तो माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर वाई की पावर थ्री, इसके हम फैक्टर करेंगे, माइनस हमने लिख लिया टू टू जा फोर और फोर थ्री जा ट्वेल्व हो गया। अब एक्स स्क्वायर एक्स को दो बार लिख लो, इस टाइम दो बार हमने क्या किया एक्स को लिख लिया, उसके बाद इंटू हमने लगाया वाई की पावर थ्री, तो वाई कितने बार लिखा वाई इंटू वाई लिखा, नाइन एक्स वाई है तो नाइन को हमने कितने बार लिखा थ्री मल्टीप्लाई थ्री फिर मल्टीप्लाई एक्स इंटू मल्टीप्लाई वाई। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, जो हमारा कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होता है, जो हमारा कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होता है, अदर नंबर हमारे कॉमन नहीं होते। कभी कभी क्या होता है, जब दोनों टर्मों में या तीन टर्मों में कॉमन ना मिले तो एचसीएफ क्या होता है वन होता है। तो देखिये यहाँ पर टू तो कॉमन नहीं हो रहा लेकिन थ्री हो रहा है, एक थ्री ये एक थ्री ये, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला, तो थ्री निकल आया। उसके हम बात करते हैं यहाँ पर आपका क्या x है, यहाँ भी एक x है तो एक ये x ये x ये x निकल आया। उसके यहाँ पर एक y है, यहाँ पर भी एक y तो एक y ये आया, तो आपका आंसर क्या आ गया थ्री एक्स वाई आ गया। अब इसमें बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस एट माइनस सेवन फिर ब्रैकेट में x प्लस एट है, हम इसे क्या करेंगे कॉमन करेंगे। आप देखिए यहाँ पर x प्लस एट है, यहाँ x प्लस एट है, x प्लस एट और x स्क्वायर के बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई साइन है, माइनस सेवन एक्स प्लस एट के बीच में कौन सा है मल्टीप्लाई साइन है, हम इन्हें कॉमन करेंगे। जब हमें ऐसी कंडीशन मिलती है तो हम कॉमन करते हैं। तो देखिए आपका एक ब्रैकेट में क्या आ गया एक्स प्लस एट आ गया, ब्रैकेट ओपन हुआ, इधर वाले टर्म को हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यही आपका क्या निकल के आ गया एचसीएफ आ गया, यही आपका क्या एचसीएफ है पूरा एक्स प्लस एट एक्स स्क्वायर माइनस सेवन सॉल्व हो गया। अब देखिए फोर नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, लेकिन हमारा तीन टाइप आज हुए हमारे, फैक्टराइजिंग बाय यूजिंग डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन दिया हुआ ना, स्टैंड अलजेब्रा आप पढ़ के आए हुए हैं और पिछले वीडियो में भी हमने देखा, मैंने आइडेंटिटी सॉल्व करवाई थी, फार्मूला क्या था हमारा वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ब्रैकेट में ए माइनस बी दूसरे क्रम में ए प्लस बी है। अब इसमें हम बात करते हैं फोर एक्स स्क्वायर है, इसे हम क्या ले सकते हैं टू एक्स का होल स्क्वायर ले सकते हैं, माइनस नाइन को हम क्या ले सकते हैं थ्री का होल स्क्वायर ले सकते हैं। आपने स्क्वायर तो पढ़ा ही था ना कि टू का स्क्वायर फोर होता है थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, तो इस टर्म हम इसे क्या ले सकते हैं इस टर्म में इस आइडेंटिटी में पुट कर सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा टू एक्स माइनस थ्री और दूसरे क्रम में क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री, ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इसमें भी हमारी आइडेंटिटी लगेगी यही वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ब्रैकेट में ए माइनस बी दूसरे क्रम में ए प्लस बी, इतनी आपको क्लियर हो रहेगा जिससे। अब देखिए एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर है माइनस थर्टी सिक्स है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर भी वही काम करेंगे, ये एक्स माइनस थ्री ए की वैल्यू हो गई, थर्टी सिक्स बी की वैल्यू, लेकिन हम थर्टी सिक्स को क्या लिख सकते हैं, हम थर्टी सिक्स को कुछ देर के लिए ये लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं लिख लेते हैं यहाँ सिक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या ले सकते हैं सिक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूले में रख दे ए की वैल्यू एक्स माइनस थ्री एस टेन, तो एक्स माइनस थ्री माइनस सिक्स फिर दूसरे क्रम में आपको क्या आएगा एक्स माइनस थ्री प्लस सिक्स। अब इन्हें सॉल्व कर लें आप, माइनस थ्री माइनस सिक्स एड होगा तो एक्स माइनस नाइन और माइनस थ्री में सिक्स सबटे करेंगे तो एक्स प्लस थ्री इस टेन, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ये सन क्या आ गया आंसर आ गया। इतनी बात उन्होंने क्लियर भी होगी, इन तीन टाइप के क्वेश्चन को आप करिए आपको एक्सरसाइज मिलेगी, और आप अपनी तरफ से बुकों से करिए और नाइन की बुक से भी कर सकते हैं क्योंकि नाइन में भी आपको फैक्टर मिलेगा, इसलिए और हाई स्कूल में भी फैक्टर है, इसलिए जब ये फैक्टर है तो क्यों ना चलाएं हम ट्रैक्टर, ट्रैक्टर चलाएंगे तो हमारा फैक्टर क्लियर होगा। लेकिन आपको कहीं ट्रैक्टर नहीं चलाना है, ट्रैक्टर तो हम लोग इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि गाँव में नहीं रहते हम लोग, कहाँ सिटी में। अब जो हमारे गाँव से रहते हैं वो एक बार ट्रैक्टर देख लें चलाए ना, फैक्टर कर लें, क्या कर लें फैक्टर कर लें। जय हिंद जय भारत।